बड़ी खूबसूरत बोलती आंखें, बेहद आकर्षक चेहरा और संगमरमर सा तराशा बदन। बॉलीवुड की दीवा करार दी गई वो अदाकारा जिन्होंने फिल्मों में अपनी एंट्री के कुछ ही सालों में नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली और देखते ही देखते सभी अभिनेत्रियों को पछाड़ डाला। सत्तर और अस्सी के दशक की एक मशहूर अदाकारा जिनके पर्दे पर आते ही दर्शकों के दिल पर छुरियां चल जाती थी। जब वो थिरकती थी तो दर्शकों के दिलों की धड़कन मानो थम सी जाती थी। अब के सावन और जिनकी फिल्मों से ज्यादा चर्चे उनकी प्रेम कहानी के थे। ऐसी वैसी ना, समझ सजना, ऐसी वैसी ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को करियर के शुरुआती दौर में ही प्रोड्यूसर की डिमांड पर अपने कपड़े उतारने पड़े थे। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि पहले इन्हें एक टॉप के एक्टर हिंदू बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया और बाद में इनके मुस्लिम पाकिस्तानी क्रिकेटर पति ने इस कदर प्रताड़ित किया कि शादी टूट गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी मां ने तलाक के बाद इनका नाम, सरनेम और धर्म भी बदल दिया था और बरसों बाद इन्होंने भी अपनी बेटी के साथ वैसा ही किया। शीशा हो या दिल हो, टूट जाए। कौन थी वो अदाकारा और क्यों उनकी जिंदगी इतनी विवादित रही, बताएंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। आज हम बात करेंगे 70 और 80 की मशहूर अदाकारा रीना रॉय की। ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने अपना कोई गॉडफादर ना होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम छुआ जो बहुतों का सपना होता है। जो नंबर वन के पायदान पर सालों काबिज रही और अपना ऊंचा मुकाम बनाया। आइए जानते हैं कौन थी रीना रॉय और उन्होंने कैसे तय किया फर्श से अर्श तक का अपना फिल्मी सफर। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। ये कुछ लोग ही जानते होंगे कि रीना रॉय हिंदू माता और मुस्लिम पिता की संतान थी। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। इनकी मां का नाम शारदा राय और पिता का नाम शादिक अली था। दोनों की 4 संतानें हुई लेकिन दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना राय की मां ने अपने 4 बच्चों के मुस्लिम नाम बदलकर हिंदू नाम कर दिए। उन्होंने सायरा अली का नाम बदलकर रूपा राय कर दिया, जिनका नाम फिल्मों में आने के बाद रीना राय हुआ। इस तरह वो पहले सायरा से रूपा बनी, फिर रूपा से रीना। इनके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए रीना राय को कम उम्र में ही एक क्लब में डांसर बनना पड़ा। डांस? डांस? हाँ हाँ, पैसे कमाती हूँ, डांसर हूँ ना। होटल में, कैबरे भी, इंडियन भी, वेस्टर्न भी, पूरा वर्ल्ड घूम चुकी हूँ। क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी तो जाने माने निर्माता निर्देशक बीआर इशारा साहब की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रीना राय को अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया और ये फिल्म थी नई दुनिया नए लोग। न जाने क्या मिलता है,
लेकिन कुछ कारण से ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। बी आर इशारा साहब उन दिनों एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे और उस फिल्म में उन्हें तलाश थी न्यूड सीन देने वाली किसी एक्ट्रेस की, पर उस दौर में ऐसे सीन देने को कोई भी एक्ट्रेस तैयार नहीं थी। इशारा साहब जानते थे कि रीना राय को काम और पैसे की सख्त जरूरत है, लिहाजा उन्होंने ये फिल्म उन्हें ऑफर की और रीना राय मजबूरी में मान गईं, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। इस फिल्म में रीना राय ने कई सेमी न्यूड और इंटीमेट सीन दिए और इन्हीं सीन के चलते फिल्म चल भी गई और इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में इन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। शुरुआती दौर में रीना राय को और भी मुश्किल दिन देखने पड़े। उन्हें फिल्में तो ऑफर हो रही थीं, पर बी ग्रेड फिल्में। उन्होंने जंगल में मंगल, जैसे कुतैसा, मिलाप, मधोश, गूंज, वरदान, अपने दुश्मन, जख्मी, संग्राम और गुमराह जैसी बी ग्रेड फिल्मों में काम तो किया, पर इन फिल्मों से उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो। लेकिन 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ बारिश में फिल्माए गए एक गीत में उनकी खूब चर्चा हुई और उन्हें थोड़ी पहचान मिली। अब के सावन लेकिन उन्हें असली सफलता मिली 1976 में आई फिल्म कालीचरण से। इस फिल्म को बनाया था सुभाष घई साहब ने। ये उनके निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने रीना राय के अपोजिट कास्ट किया था शत्रुघ्न सिन्हा को, जो फिल्मों में पहली बार हीरो का किरदार प्ले करने जा रहे थे। जैसा कि ये सुभाष घई की पहली फिल्म थी और शत्रुघ्न सिन्हा की भी हीरो के तौर पर पहली फिल्म थी और रीना राय भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो लिहाजा इस फिल्म से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये फिल्म आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त हिट रही और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय की जोड़ी भी हिट हो गई। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा तब रीना राय के मेकअप रूम में घंटों बैठे रहते थे और इसी दौरान रीना राय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी और दोनों के इश्क की चर्चा इंडस्ट्री में आम हो गई। इसी साल रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म नागिन और इस फिल्म ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर ला खड़ा किया। इस फिल्म में उनके को स्टार जितेंद्र थे, जिनके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म में रीना राय ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी, जो कुछ शिकारियों से अपने नाग पति की हत्या का बदला लेती है। तो फिर मेरे प्यार को खत्म करने का इख्तियार उनको किसने दिया? क्यों जान ले ली मेरे प्रेमी की? क्या बिगाड़ा था उसने उनका? मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसका पूरा श्रेय मिला फिल्म की हीरोइन यानी रीना राय को। उनकी लेंस लगी नीली आंखें और नागिन सा लहराता बदन देखने वालों में रोमांच पैदा कर देता था। बहुत जी लिया, मेरी उंगली की एक जुम्बश तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकती है, जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन। रीना राय की जोड़ी जितेंद्र के साथ भी जम रही थी और उनके फिल्में जितेंद्र के साथ भी आ रही थी। मन में भी चले सरगम से, साथ सुरों के इस संगम से। पर दोस्ती बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही रही। सुभाष घई ने एक बार फिर इस हिट जोड़ी को लेकर फिल्म बनाई और ये फिल्म थी 1978 की विश्वनाथ। वही 1979 में आई मल्टी स्टारर सुपरहिट हॉरर फिल्म जानी दुश्मन ने उन्हें कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
रीना राय को 1975 और 1980 के बीच दर्शकों का खूब प्यार मिला और वो सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्री बन गईं। एक्टिंग की बात करें तो 1980 में आई उनके फिल्म कशिश और आशा ने उन्हें भारी लोकप्रियता दिलाई। ये फिल्में ऐसी थीं जिन्हें माना गया कि ये सिर्फ रीना राय के दम पर ही चली थीं। हालांकि आशा एक कलाकार के प्रेम में असफलता की कहानी थी जिसकी रिलीज के समय उनकी रियल लाइफ की प्रेम कहानी में भी एक नया मोड़ आ गया था। माना जाता है कि इससे दर्शकों की जो सहानुभूति उमड़ी उसने फिल्म को काफी लोकप्रियता दिला दी। रीना राय और शत्रुघ्न सिन्हा का रोमांस कई सालों तक चला था, पर शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में अचानक FTIIA के दौरान की अपनी दोस्त पूनम चंदिरामानी से शादी कर सबको चौंका दिया। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी शादी के दो दिन पहले तक रीना राय के साथ लंदन में थे। कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बारे में जानकर भी वो आंख में आंसू लिए हुए उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने गई थी। बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना राय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, मगर ऐसा नहीं हुआ बल्कि फीलिंग्स और बढ़ गईं। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा, ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों रीना राय को धोखा दिया इस बारे में कभी कुछ भी नहीं कहा और रीना भी इस पर खामोश रही। क्या रीना का पारिवारिक बैकग्राउंड शत्रुघ्न सिन्हा को रास नहीं आया या उनके धर्म की वजह से उन्हें अपनी पत्नी नहीं बनाया? लोग ये कयास ही लगाते रहे। जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे डगमगा कर गिरने लगे हैं। ये तो वक्त बताएगा। वक्त किसका? एक मुजरिम का? बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम जब मां बनने वाली थी तो रीना राय का दिल टूट गया। उन्हें अपने रिश्ते के खोखलेपन का एहसास हुआ और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बना ली। 1983 में रीना राय ने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली और सबको चौंका दिया। ये गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना राय उस समय अपने करियर के शिखर पर थीं और शादी के बाद उन्होंने फिल्में करनी कम कर दी क्योंकि वो एक खुशहाल गृहस्थी बसाना चाहती थीं। शादी के बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल के बाद वो पति मोहसिन को लेकर बॉलीवुड आई और 1989 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में मोहसिन को काम दिलवाया। रीना राय की बहन बरखा राय ने मोहसिन खान को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था गुनहगार कौन। ये 1991 में रिलीज हुई थी। ना सनम मर जाएंगे हम। इसी साल रिलीज हुई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म साथी में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। बाद में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, पर इसके बाद मोहसिन का मन फिल्मों से भर गया। बताते हैं कि मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, मगर रीना को ये रास नहीं आ रहा था। साथ ही वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से भी ऊब चुकी थी। रीना राय ने अपने पति को बॉलीवुड में करियर सेटल करने में खूब मदद की, उन्हें फिल्में दिलवाई और एक्टिंग के गुर भी सिखाए। उनके ऊपर खूब पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी मोहसिन ने उनकी कुर्बानियों की कोई कद्र नहीं की और उल्टे रीना की जिंदगी नरक बना दी।
वो पत्नी से इस कदर बुरे व्यवहार पर आमादा हो गए कि रीना के सब्र का बांध टूट गया। आखिरकार झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि मोहसिन बेटी की कस्टडी छोड़ने को तैयार नहीं थे, फिर रीना राय ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी बेटी की कस्टडी हासिल की। कहते हैं इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने मित्र शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनका पूरा साथ दिया और अपने प्यार के पुराने कर्ज को अदा किया। बेटी को पाने के बाद रीना राय ने भी वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले किया था। उन्होंने अपनी बेटी का धर्म बदल दिया और उसका नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। रीना राय ने करीब 100 फिल्मों में काम किया जिसमें प्यासा सावन, नसीब, सनम तेरी कसम, हथकड़ी, अंधा कानून, धर्म कांटा, अर्पण आदि खास हैं। परदेश जाके परदेसिया 1984 में आई उनकी फिल्म राज तिलक और 1985 में आई फिल्म गुलामी में उनके यादगार अभिनय ने दर्शकों के दिल पर यादगार छाप छोड़ी। में आई नागिन फिल्म के लिए रीना राय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया और 1979 की फिल्म अपनापन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि उन्होंने ये कहकर ये अवार्ड वापस कर दिया कि वो मुख्य कलाकार होकर सह कलाकार का अवार्ड नहीं ले सकती। बाद के वर्षों में रीना राय ने कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का किरदार भी निभाया और छोटे पर्दे पर भी काम किया। वो अपनी बहन बरखा राय के टीवी सीरियल्स में भी नजर आईं। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी आखिरी फिल्म रिफ्यूजी रही जिसमें उन्होंने शानदार काम किया। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और नई प्रतिभाओं को निखारने का काम करती हैं। तो ये थी कहानी उस अभिनेत्री की जिसकी दर्जनों फिल्मों में आपने हंसते मुस्कुराते हर तरह के किरदार में देखा होगा, लेकिन उन्हें देखकर कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे कि इस हॉट बिंदास और खूबसूरत अदाकारा की इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द, कितनी तकलीफें छुपी हुई हैं। हम उनके हौसले, उनकी प्रतिभा और उनके शानदार काम को सलाम करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें तमाम खुशियां और लंबी उम्र से नवाजें। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास रीना रॉय से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी और कलाकार की जिंदगी के अनछुए पहलुओं से आपको कराएंगे रूबरू। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप इसी तरह के कुछ और कंटेंट्स देखना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हमारे ट्रैवल ब्लॉग की भी सैर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।